फिल्म यानी हफ्तों हफ्तों टिकटें नहीं मिलती थी, अब तो मॉल्स होते हैं, ये होते हैं, इतने हजारों थिएटर्स पर टू गेट अ टिकट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग. एक्चुअली व्हाई शुड वी आस्क पीपल ऑफ देयर स्टोरी एंड फाइट दिस. अभिजात इज हियर, अभिजात विल हैव लॉट ऑफ स्टोरीज, राकेश विल हैव लॉट ऑफ स्टोरीज. बहुत प्यारी सी किताब लिखी है तनुजा चंद्रा ने, उन्होंने मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ी और वो मुझे ले गई अपने बचपन के दिनों में. ये वो छोटी छोटी मोटी कहानियाँ जो आप अपने माँ बाप से, मामाओं से, बुआओं से, अपने परिवार से सुना करते थे, उस किस्म की ये कुछ उत्तर प्रदेश की कहानियाँ हैं. बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी है. तो आज उन्होंने बुक लॉन्च किया एंड आई थॉट आई शुड बी हियर. Story telling. Yeah. Also, we heard your anecdotes. You were sharing about your childhood, yeah. And even Abhijat did the same. Should we believe that almost all these films that you guys have written have had a lot of personal touch, a lot of personal experiences being translated on screen? See, whatever you make, eventually has to come from something either you've experienced or you've read or you've seen. So, I think every creation is from your memories. So, Abhijat and me specially choose to kind of pick up some memories, pick up some real-life incident, and of course modify it. So, yes, whatever Abhijat narrated or we've usually picked up from our lives and kind of modified it to suit the film. किताबों से आपका कितना लगाव है? नहीं, किताबें तो जान होती हैं, किताबों से बड़ा लगाव है और तो सो नहीं सकता किताब के बिना. चाहे 10 मिनट ही पढ़ूँ रात को, अगर एक किताब तो पढ़नी पड़ती है. और मुझे थोड़ा लगता है कहीं कल्चर ख़त्म होता जा रहा है आजकल, मगर आई थिंक बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बुक्स आर द बेस्ट वे टू गेट नॉलेज, गेट स्टोरीज, गेट टू नो द वर्ल्ड. दिस बुक, आई सेंड मी द बुक लास्ट मंथ एंड I read about, I think, 3 or 4 stories. I've been shooting, so I couldn't finish the book. But those 3 or 4 stories were so fascinating that I remember tweeting about it immediately. And that's how Tanuja called me, said, can you come and, you know, be here today. So it's a fantastic book. Spy, when are we wrapping the film up? I mean, is it over or? We've finished about 60% of the film is done. And we're starting a schedule now. So by mid-June, or even before, we would have done most of it. There's one schedule left in New York then. अरे वो बड़ा आउट होनी नहीं चाहिए थी वो पिक्चर्स, बट हम लोग कार्टर रोड पे शूट कर रहे थे, आप लोगों ने किसी ने एक फोटो लेके डाल दिया. पर आई एम वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी से बन रही है फिल्म. और जब फिल्म खुशी से बनती है तो अच्छी बनती है, और वो कहानी कमाल की है तो मज़ा आ रहा है बनाने में. और रणबीर आई थिंक नहीं, टाइटल अभी तक लॉक नहीं हुआ है, बट हो जाएगा, फाइनल होगा. थ्री इडियट्स भी एक बुक से इंस्पायर्ड है, सो आपको क्या लगता है कि फॉर अ फिल्म मेकर एक बुक कितना इम्पोर्टेंस रखती है कैरेक्टराइजेशन को डिटेल्स में बनाने के? नहीं देखिए, बुक, प्ले और फिल्में इतनी अलग किस्म की राइटिंग है. बुक में आप बहुत एक लाइन में आप कुछ बोल सकते हो कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, हो गया.
व्यूअर ने बिलीव कर लिया. सिनेमा में आपको उसके लिए एक स्टोरी बनानी पड़ती है, जिसका बटुआ गिर गया उसने उठा के लौटा है, तब आपको समझ में आता है कि कैरेक्टर उठ के नहीं बोल सकता ईमानदार आदमी, बोरिंग हो जाता है. तो तीनों अलग किस्म की राइटिंग है, पर तीनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं. कई बार आप प्ले से फिल्में बनाते हो, कई बार लोग फिल्मों के प्ले बनाते हो, कभी आप बुक से फिल्में बनाते हो, प्ले करते हो, तो कंटेंट तो होता है मगर फॉर्मेट्स अलग हैं सबके. मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे वासी है उसका.